हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, घर की सुख शांति और खुशहाली के लिए आपके ऊपर भगवान का हाथ होना बेहद जरूरी है। इसके लिए ईश्वर की रोज सुबह शाम पूजा पाठ करनी चाहिए। इसलिए भगवान की आराधना करने के लिए घर में पूजा स्थल का होना बहुत जरूरी है। हालांकि दोस्तों, पूजा घर में सिर्फ भगवान रख देना ही काफी नहीं होता, इस पूजा स्थल से जुड़े कुछ नियम कायदे भी होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि आप अपने पूजा स्थल में कुछ खास चीजों को रख दें तो माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है, वहीं आपकी इस बात से खुश होकर आपको धन लाभ देती है। दरअसल ये चीजें मंदिर में रखने से वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है, इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और धन की वर्षा करती हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर बिना देरी किए जानते हैं कि पूजा घर में किन चीजों को रखना शुभ होता है। गंगा जल। दोस्तों, गंगा जल को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि पूजा पाठ से जुड़े हर शुभ कार्य में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। वहीं गंगा जल से निकलने वाली एनर्जी बहुत ही पवित्र होती है। कहते हैं यदि घर में इसका छिड़काव कर दिया जाए तो सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। वहीं घर में अच्छी ऊर्जा का संचार होने लगता है, इसलिए यदि इसे पूजा घर में रखा जाए और रोज इस्तेमाल किया जाए तो धन की देवी माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होगी और घर में लंबे समय तक निवास करेंगी। मोर पंख। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का अत्यधिक प्रिय मोर पंख बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इसे यदि पूजा स्थल में रखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि मिलती है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि तो अपने आंगन में मोर पाला करते थे, वहीं वे मोर पंख से शुभ संदेश लिखा करते थे। मोर पंख घर की नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने के लिए भी जाना जाता है। ये माँ लक्ष्मी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है और इसे पूजा स्थल में रखने से आर्थिक तंगी दूर होती है। शालिग्राम। दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में जाने वाला शालिग्राम पूजा स्थल में रखना शुभ होता है। इसे पूजा घर में रखने से न सिर्फ माँ लक्ष्मी की जबकि भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है। इससे घर के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और पैसे में भी कमी नहीं आती। इसके अलावा इससे घर में बरकत बनी रहती है और दरिद्रता दूर हो जाती है। शंख। दोस्तों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को ही पसंद है। कहते हैं इसे पूजा घर में रखना शुभ होता है और रोज सुबह शाम पूजा से पहले और बाद में इसे बजाना चाहिए। इसकी ध्वनि वातावरण को शुद्ध और पवित्र करने का काम करती है। ये घर की नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है और इससे माँ लक्ष्मी और विष्णु देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि घर के पूजा स्थल में किन चीजों को रखने से माँ लक्ष्मी और भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।